ये देखो एसी लेके जा रहा है, एसी उतरवा रहा है। अलग से कितने की पड़ेगी अगर एक अंदाजा तेरे पास लिस्ट तो आई होगी? 80-90 हज़ार रुपए। तो भाई ने मेरे साथ किया ना, मैं चाहता नहीं कि कोई भाई किसी के साथ करे। फिलहाल मैं थी मेरी वीडियो इस पर पढ़ रहे हैं, मोस्ट अवेटेड एंड एक्सपेंसिव मॉडिफिकेशन ऑफ माय वाइफ। इसमें क्या होएगा, ये पतली होएगी मॉडिफिकेशन में है? से हो रहे हैं अभी, यहाँ से चलते हैं। माना खड़ा हो जा बेटा, क्या सारे दिन पड़े ही रहते हो यार आप? गलत दर की तरह, गलत दर की तरह। हाँ मेरा छोटी छोटी वाली गाड़ी की चाबी कहाँ है? मैं वॉलेट तो बोरा, घड़ी दे दो भाई। क्या धूप है भाई, आर यू कमिंग? सेइंग गुड बाय, ओके से गुड बाय। ये लग जाए ना कि किट वगैरह, तो थोड़ा देख के चला लेना, थोड़ा ज़्यादा देख के, नहीं तो वापस वापस चेंज नहीं होती यार। किट लगवाने नहीं जा रहा, गाड़ी छोड़ने जा रहा हूँ, आऊँगा कैसे ना कैसे तो आऊँगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली अमेजिंग, बढ़िया मारी रूह जैसे। ये देखो, से हेलो, से हाय, से हाय। नहीं भैया ने बोला अगर एक पीस भी टूट गया तो पूरी किट नहीं लेनी पड़ेगी, एक पीस नहीं मिलता अलग से। मींस जरा सी ठुकी तो पूरी किट नहीं लेनी पड़ेगी, पीछे का पार्ट नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मकसद ये है, और मैंने अभी इसका प्राइस नहीं बताया तुम्हें, इसका प्राइस है 30,000 रुपया। I take care of you. You नहीं कार। अच्छा you, अच्छा इसको बोल रहे हो, मैंने मेरा बहुत zoom था। चलो जा ही रहा हूँ भाई, मैं जा ही रहा हूँ भाई। गु खा लो। क्या लाओगे मेरे लिए? तेरे लिए अचार। बैंगन का? भाई ये ना ढीला हो गया था, ये देखो ऐसे ऐसे ढीला हो गया। मैं ऐसे सोच रहा हूँ अंदर से ना नया मंगा लूँ और नया लगा लूँ यहाँ, बट लुक एट दिस भाई, गर्मी गर्मी देखो तुम। हैं हैं हाँ का सीधा है, हाँ तो वो रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं आता। हाँ मतलब वही उसमें, पर उसमें अच्छे से व्यू नहीं आता। और ये देखो एक बार, ये देखो तुम पास से देखो, ये देखो भाई चिपक गया, पता नहीं कैसे निकलेगा, ये कहीं और ही निकलवा। ओए या यक भाई, ये तो बहुत ज्यादा गर्म, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी यार, इसे थोड़ी छाया में खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी। अलग ही सिस्टम हो गया, मैं तो इसे टाइट कर रहा था, थोड़ा सा टाइट ही नहीं होने दिया। चलो जो भी है लेके चलते हैं, वहीं पे बोल दूँ भैया से निकाल देंगे। तो भाई हम आ चुके थे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी छोड़ने, तो हमारे सामने ना आज फिर से जाखड़ लगे, और जाकर ना कुछ कंटेंट लेके आ रहे हैं। जो जाखड़ की नजर लग गई भाई, एक सेकंड में फोन गिरता गिरता बचा, यहाँ से पकड़ा है भाई। जाखड़ लेके आया आज एंडेवर भर के, दिखा दो जाखड़, दिखा दो भाई, भाई इतना तो दिखा सकते हैं। ये देखो गाइस, दिखाओ क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहा है भाई? ये देखो सामान देख रहे हो भाई, एक चीज तो यही रहने दो, ये थोड़ी महंगी चीज है ज्यादा, है ना? ये मेरे ख्याल सबसे महंगी चीज होगी, वेरी महंगी चीज। कितने की पड़ी है ये पूरी चीज? 3 लाख। नहीं नहीं ये अरे एक अलग से कितने की पड़ेगी अगर एक अंदाजा तेरे पास लिस्ट तो आई होगी? 80-90 हज़ार रुपए। अलग से तो मिलती नहीं, पूरा पैकिंग मिलता है। अच्छा पूरा एक ही सेट ही मिलता है? ये ले जा। ये देखो एसी लेके जा रहा है, एसी उतरवा रहा है, जाकड़ जाकड़ स्प्लिट एसी लगवा रहा है यहाँ पे। अलग से जाकड़ ने रूम लिया है साइड में, वहां पे लगेंगे। मैं दिखाता हूँ एक बार तुम्हें, अभी भाई को बुला के अब खेलने के लिए क्या मिलती है, गाड़ी मिलती है, गाड़ी घोड़ा यहाँ साफ करवा के चले जाते हैं बस। भाई मैं पूछ रहा हूँ, जाकड़ स्प्लिट एसी लेके आया अभी अभी, वो साइड में रूम यही बनवा रहा है, है? क्या करना पड़ेगा? ओह शिट भाई, मैं इस हाथ से कुछ नहीं करता। आप लोगों को
भाई एक बार जाखड़ से और पूछ रहे, एक बार है ना थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे। मैं कहा जाखड़ भाई हमें बताओ कि किस तरीके से कैसी लगेगी वो गाड़ी मॉडिफिकेशन के लिए, तो फिर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाओ, कह रहा भाई मेरे को 10-15 मिनट तो दे। मैंने कहा चल ठीक है 10-15 मिनट ले। बैठे अभी अभी यहाँ पे आके तो 10 मिनट बाद वापस कैमरा उठाओ। मॉडिफिकेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग मांगती है भाई। ब्रेनस्टॉर्म करा है उस कलर पे। बस अब मेरे को दो चीज मतलब अंदर से पता नहीं। चलो कैमरा रख के बात करता हूँ। भाई ने मेरे साथ किया ना, मैं चाहता नहीं कि कोई भाई किसी के साथ करे। फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, एक घंटा है आपके पास। बीस को खुश हो जाऊंगा मैं। ये देखो किसकी गाड़ी खड़ी है। ये कलर कैसा लगेगा भाई? गाड़ी तो यहीं छोड़ दी है एक बार। अरे यार गाड़ी में से उसका ना टेबल पे एक चाबी रखी है, वो ले आ और एक बार गेट खोल के रख जा। गाड़ी में से वो चार्जर ले लेता हूँ फिर चलते हैं यहाँ से। भाई यहाँ बैठे हुए मतलब मेरे को अप्रोक्स 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से यहाँ सिर्फ डिस्कशन हो रही है कलर को लेके कि क्या कलर करवाना चाहिए और क्या नहीं। कपिल एक मिनट रुक जा भाई, वो ले लूँ चार्जर और पर्स रह रहा है इसमें। इतनी गंभीर डिसीजन, इतना गंभीर मीटिंग मेरी नहीं चली आज तक। भाई जो करवाने की सोची थी ना, मतलब जो सोच के आया हुआ था वो है ना 60% हाँ और 40% ना हो रहा है। क्यों? उसके भी दो कारण है। पहला कारण, वो जो कलर मैं करवा रहा था वो पेपरों में चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा, क्योंकि उसके लिए मेरे को एक बार अथॉरिटी में बात करनी थी। अथॉरिटी में बात कर रहा हूँ, अगर वो चढ़ेगा तो ही करवाने का फ़ायदा, नहीं तो नहीं करवाने का फ़ायदा। क्योंकि भाई ये मेरी प्राइमरी गाड़ी है, सेकेंडरी खोलना भैया, ये मेरी प्राइमरी गाड़ी है, सेकेंडरी गाड़ी तो है नहीं। तो मैं इसमें इसके साथ ना ऐसा कर नहीं सकता कि भाई इसको ऐसे छोड़ दूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो, और अच्छी नहीं लगी, ये भी एक चांस है। तो इस वजह से मैं एक चीज़ सोच के चल रहा हूँ। तो यार एक बार देखते हैं, यहाँ से सामान ले लेता हूँ मैं गाड़ी में से। गाड़ी वाड़ी हमने भैया को दे दी है, सारी चीज़ रख के टिकट विट सारी एज इट इज़ रख देते हैं। अब इसकी लेंगे, अब इसे मिलेंगे ग्रैंड डिलीवरी पे A1। पर उसके लिए कलर मेरे पास 1 घंटे का टाइम लिया है मैंने, कब तक कौन सा कलर करवाना है। चलो भाई कपिल, चल भाई कर दे भाई, बंद अंदर ले जा। चल भाई, अरे बंदी हो रही है, कौन सा कलर करवा रहा हो? ये तो मैं भी अभी कन्फ्यूज हूँ कौन से कलर करवा रहा हूँ। ये तो अच्छा था भाई, ये देखो भाई, हम यहाँ ना वो चल रही थी मेरी वीडियो, इस पर पढ़ रहे हैं मोस्ट अवेटेड एंड एक्सपेंसिव मॉडिफिकेशन ऑफ माय वाइफ। इसमें क्या होएगा, ये पतली होएगी मॉडिफिकेशन में हैं? वो एक दिन में नहीं हो सकता ना, तू होवे भी ना बेटा पतली, कोई बात ना, तू होवे भी ना पतली। पिछले साल से सुनता आ रहा हूँ, मेरे जन्मदिन पिछले साल भी निकल गया, इस ये साल भी निकल गया मेरा जन्मदिन। भाई मैं डेली सुनता आ रहा हूँ, सुनाता आ रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ गाड़ी तो दे आया मैं, गाड़ी करा रहा हूँ पिंक कलर की। अच्छा, हैं भाई पूरी पिंक, तुम ही तो चलाओगे इसे? कोई नहीं चलाएगा फिर उसे। मानसी तुम भी बोलती है, मुझे बंदा भी चाहिए पिंक कलर का। ठीक, इतना मैं गाय में बोल रही हूँ, मैंने कहा मैं गाड़ी चलाऊंगी पिंक ही करवाएंगी। नहीं कैसी रंगोलियां यहाँ से, पता नहीं भाई फेड हो गया बेचारी का रंग। तो भाई गाड़ी में दे आया हूँ और जस्ट अभी भी पहुँचा हूँ घर पे। ओए यार मोटी उछलती बहुत है, तो कंफ्यूज था, अभी भी कंफ्यूज हूँ मैं। अभी मैसेज करके भेजा है कि भाई ये वाला कलर कैसा रहेगा। 3.5 घंटे बैठ के सोच नहीं पाया मैं कि कौन सा कलर करवाना, क्योंकि जो कलर करवाने की सोची थी उस कलर में वो नहीं हो रहा, चढ़ेगा नहीं कागजों में, नहीं चढ़ेगा। तो क्या करें, कौन सा दिया? अभी तो दिया ही नहीं, अभी थोड़ा ऐसा हो गया कंफ्यूज था, मतलब 3-4 कलर दिया उनको तो उसमें से देख के बता रहे हैं मेरे को एक बार। मुझे ऑप्शन में दिया था वो तो नहीं है, वो ऑप्शन में है। अरे बढ़िया लगेगा यार, नहीं बढ़िया लगेगा यार, पहली बार तो बहुत है और बहुत लगेगी। पिंक कलर अच्छा नहीं लगेगा गाइस, मैं कमेंट करके बता दो पिंक कलर कि कैसा लगेगा। बहुत ही घटिया है, पिंक थार भी है, ग्रीन में पिंक थार तो मैं दिमाग में नहीं चल रहा यार। अब मैं इसको दिखाता हूँ, इससे सजेशन लेता हूँ, मैं भी तुझे दिखाता हूँ कलर के कौन कौन से। ये देखियो ये करवा लो क्या, रोज गोल्ड तो अच्छा लग रहा है गाड़ी में। अच्छा अच्छा एक चीज़ बता, चल एक आप भी बताओ मेरे को, अभी मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ। एक चीज़ बता, ग्लॉस में या मैट में है? ये है मैट,
ये मैट है। मैं तभी तो तुमको ये कलर बोल रही हूँ मैट में। मैट में ये कलर तो नहीं लगेगा अच्छा, मतलब अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है बट इस पे नहीं लगेगा। लगेगा। ग्लॉस या मैट? मैट। मैट। आप भी मेरे को कमेंट में बताओ, मैं इसे कलर दिखाता हूँ मैट। भाई देखो ये जाने के लिए कर रहे थे क्लब। क्लब नहीं था कैफे। नहीं हाँ मतलब कैफे, क्लब नहीं सॉरी कैफे। तो मैंने बोला, मैंने कहा कैफे जाके क्या करोगे भीड़ में, मैंने सही बोला नहीं बोला ये बता। ये यार इसकी एक दोस्त आ रखी है तो ये बोल रही भाई कैफे, मतलब कैफे जाना है कैफे जाके। मैंने कहा कैफे जाके क्या करोगे, पैसे खर्च करोगे बिना मतलब। मैं रहा शेफ, क्या करूँगा मैं, यही तो करूँगा। देखो इसके लिए फ्राइज बना रहा हूँ। देखो इतना अच्छा पति मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा ना। देखो कितनी कितनी प्यार से बढ़िया तरीके से काटी है मैंने फ्राई। तो अच्छा बना रहा था। एक अदर वर्जन वाला हनी शर्मा भी है जो कोई ना देखे तो अच्छा है है ना। मैं बताता हूँ आप सबको कि भाई मैं गुस्सा, कभी कभी मेरे को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा आता है। मैंने अभी बताया दो तीन दिन पहले बताया मैंने कि मेरे को जो गुस्सा आता है शरीर दर्द हो रहा है। बोल दे क्या बोल रहा है, क्या ये कॉफी पी रहे हैं या क्या है ये कॉफी है? हाँ, कॉफी के अंदर चिट्टा मिला रखा है, चिट्टा। कौन देखता है, सब देखते हैं तो अच्छी बात है, देखनी चाहिए। कॉफी के अंदर गाइस इसने कुछ मिला रखा है, सिमरन के घर में बता रहा हूँ मैं, कुछ मिला रखा है इसने। हाँ मैं दिखा देता हूँ ना, देखो गाइस ये देखो भाई तुम्हारा भाई पूरा शेफ हो रखा है। देखो पूरी वो भी बना दिया ने, ये जो मेयोनीज सी आती है ना वो आती है। चल अच्छा इल्ला के लिए बहुत सारी चीजें की है, बक मत कर। ये बनाई है होममेड तंदूरी चीज मैंने। तूने अरे नीचे लगाने के लिए बोला था, क्योंकि इसके नीचे ये किचन में घुसे ना तो उस दिन बहुत टेस्टी चीजें बनती है। कम बना दी, मतलब सबर तो है ही नहीं, आ जाए जल्दी मम्मी के साथ में टेस्ट करके देख लो फिर मैं यूं कह दूंगा। मैं ओके मैं कुछ बनाता हूँ जल्दी, गरम गरम अच्छी लगेगी वो, हम टेस्ट करके बताने को जरा। वो तो ला क्या ए मॉम यार, इतना अच्छा परफेक्ट नहीं हुआ, पहली बार बनाई है। ना बनी बढ़िया बढ़िया।